तो करना है कि नहीं? यस गुड 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 बच्चे गुड। बहुत हमको मजा आया था, हमने इधर कश्ती मश्ती पे देखी। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो गाइस, ये हमारा फर्स्ट व्लॉग है, वो भी जमील और कुछ दोस्तों के साथ। तो अभी हम जा रहे हैं टी पे, आई थिंक आपको पता ही होगा टी क्या होता है, दरिया पे जा रहे हैं। तो आगे का भी आपको मतलब सारा सीन हम दिखाएंगे। तो फिलहाल के लिए जो है हम बाइक पे हैं, अभी होटल से आ रहे हैं। मतलब वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं था, तो हमने कहा हम वहाँ पे वीडियो नहीं बनाते, लेकिन अभी जो है आगे अगर किसी ने मना भी किया तो हम कैमरा को ज़रूर यूज़ करेंगे। तो उधर होटल पे जो है हमें अलाउ नहीं था, और सामने फौजी खड़े, तो हमारी हवा बंद हो गई। हमने कहा चलो वहाँ पे नहीं बनाते, तो अभी जो है दरिया पे बनाएंगे। आगे आप इनकी मस्तियाँ देखें, हमारे फ्रेंड जो है आगे बाइक पे चल रहे हैं। तो चलिए इनको भी देखते हैं, और जमील से कहूँगा कि अगर आपसे कोई बात करना चाहे तो कर सकता है। तो कुछ फ्रेंड मुझे पहले ही जानते थे चैनल पर, और कुछ आज से 3-4 दिन पहले लाइव आए थे हम दोनों इकट्ठे, फिर जान गए थे। अगर नहीं जानते फिर मैं अपना तारुफ करवा देता हूँ। जस्ट मेरा नाम है जमील और मैं इस चैनल का ओल्ड एडमिन हूँ, फर्स्ट एडमिन हूँ। ठीक है, तो अभी ये चैनल हमने ले लिया इससे, तो फिर भी इसका है। तो ठीक है, अभी हम आपको अपने दोस्त से थोड़ा सा वो करवा दिखाते हैं, ये शैतान से जो है। तो चलिए इनको देख लेते हैं और बैक कैमरा ऑन कर लेते हैं। अभी जो है आपने हमारे दोस्त देख लिए होंगे, तो ये थे हमारे कुछ ही शैतान से दोस्त, और वो भी एंजॉय कर रहे हैं हमारे साथ। ठीक है, बिल्कुल। तो अभी जो है हम जाएंगे, थोड़ा सा सामान लिया हुआ है, तो कैमरा को थोड़ा पीछे कर दें। तो थोड़ा सा सामान लिया हुआ है, खाने पीने अभी का। कुछ लोग देखेंगे मुझे कि शामिर भाई ने पुराने कपड़े पहने हुए हैं। तो इस ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि इस ईद पर मैंने ना ही शूज़ लिए थे और ना ही जो है मैंने कोई कपड़े वगैरह लिए थे, क्योंकि ये मेरे अब्बू जान की फास्ट ईद थी, क्योंकि वो वफात पा गए थे, 18 से पहले वफात पा गए थे, तो आपको भी पता है आई थिंक। तो मतलब इसलिए मैंने कोई कपड़े वगैरह नहीं लिए, बकाया सब दोस्तों ने न्यू कपड़े पहने हुए हैं, और जमील भी मेरा साथ दे रहा है, इसने भी ओल्ड कपड़े पहने हुए हैं। तो जमील का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिगरी दोस्त इसे कहते हैं। थैंक यू सो मच यार। तो अभी हम जा रहे हैं, तो थोड़ा ये अभी मोहल्ला आ चुका है, तो अभी देखेंगे कि क्या ये पागल हो चुके हैं। तो मोहल्ले से जो है हम थोड़ा सा आगे जाके आपके लिए वीडियो शूट करते हैं, तब तक के लिए बाय। हालत आपने देखी है, कैसे हमने सबको नीचे उतारा, और जो है कितनी मुश्किल से हम यहाँ से गुजरे हैं। तो और इन सब लोगों की मदद की जाए, क्योंकि इनका रोजाना आना जाना है, हम तो आ जा रहे हैं लेकिन इनका रोजाना आना जाना है। जैसे उन्होंने 100 के टैक्स पे 100 का वो लोड खत्म किया ना, टैक्स खत्म किया, तो ऐसे हमारी मदद करें, ये दे सकते हैं। Second, eat with friends.
साथ एक और छोटा बच्चा कह लें या फिर मेरा भांजा कह लें, कजन कह लें, तो कजन या कजन कह लें, अभी हमारे साथ है, पीछे बैठा हुआ है, दिखा सकते हैं आप। तो वलीद इसका नाम है और ये हफ्ज़ कुरान मतलब बन रहा है, अभी बना नहीं है और बस अनकरीब कोशिश जारी नहीं है, अभी बस बनने ही वाला है माशाल्लाह। तो आप देख सकते हैं बहुत ही छोटा बच्चा है ये और हम इतने बड़े हो गए। हमने नादरा में जो है कुरान हिफ्ज़ किया है, लेकिन इन्होंने जो है ज़बानी मतलब इन्होंने कुरान हिफ्ज़ किया है, अपने अपने दिल में है, दिल में बेशक। और ये हम में से सब मतलब जितने भी हम दोस्त हैं यही हमारे दोस्त थे, और कुछ और हैं जो मतलब तीन चार हैं जो नहीं है, हम यही दोस्त हैं और ये हम सब में से छोटा है। तो हमें बहुत ही प्यारा है ये और जहाँ भी जाते हैं हम इसको साथ ले जाते हैं। आप इसको दिखा सकते हैं और पीछे का जो सीन है वो भी आप चेक करवा लें, ये देख सकते हैं कितना अच्छा सीन लग रहा है। हुआ क्या है, हम जब उधर से वापस आ रहे थे जो चीज़ हम लेके गए थे खाने के लिए, तो उसके बाद आ रहे थे वापस, मैं था, शमीर था और साथ में हमारा ये कज़न था हाफिज़, ठीक है। तो हम लोग जब वापस आ रहे थे तो जो हमारा बाइक था मतलब शमीर मतलब ये शमीर का जो बाइक था उसका जो पिछला टायर था वो पंचर हो गया है। तो गाइस अभी वो देख सकते हैं हमारे वो हाँ वो दोस्त हमारे खड़े, हम पीछे बैठे थे तो शमीर चला रहा था मोटरसाइकिल, तो देखते हैं क्या हो गया, महसूस किया तो यार टायर पंचर हो गया, तो शमीर आगे गया खड़ा है, तो हम पीछे चल के आ रहे हैं। अब क्या करेंगे कि हम जो दो हैं किसी दूसरे कदम के साथ बैठ जाएंगे और शमीर अकेला बाइक पे जाएगा, उसको पंचर वगैरह लगवाएगा और बाकी जो चीज़ होगा मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। अभी हम थोड़ी सा ये देख सकते हैं कितनी दूरी जगह पे सारा पानी हम गुजर रहे हैं, यहाँ से देख सकते हैं यहाँ से गुजर रहे हैं, ठीक है। तो बाकी हम आपको बाद में बताते हैं। अभी हम ठहर चुके हैं यहाँ पे, एक्चुअली में मेरा मोटरसाइकिल का जो है वो टायर पंचर हो चुका है, तो अभी जो है वो पंप लेने गए हुए हैं मोटरसाइकिल की हवा के लिए। तो अभी हम अपने दोस्तों से पूछ लेते हैं मतलब हम जो आए हैं यहाँ दरिया पे तो उनको कैसा फील हुआ यहाँ आके और मज़ा आया है या नहीं, तो उन सब से एक एक करके हम पूछ लेते हैं। यहाँ पे आकर बहुत ही अच्छा फील हुआ है, बहुत इन्जॉयमेंट किए और भी लोग थे और हमने भी यहाँ पे इन्जॉयमेंट किए, कश्ती पे बैठे थे वगैरह, बहुत हमको मज़ा आया था।
ہم نے ادھر کشتی مچھلی پہ دیکھی اور اور کیا بتاؤں اور مچھان شچھا نہ پیئے تے اور سیاڑ میاڑ نہ پیئے شکار مکار کیتا سکون دا تے بات موٹر سائیکل تے گئے تے پٹرول مٹرول پایا تے بات اتنا چکاڑ ساری موٹر سائیکل میرے بیچ گئے ہوں بھی وہ کر سکتے ہیں تھپا کھڑے تے ہوں میرے سنگتی جڑے دوست ہیں سارے دوستوں کو میں گھنایا یہ ہوں حرامی سروس نہیں کروا لیں چکر سے جے بندے کا دوستوں واسطے چکر سونا تو آپ نے دیکھ لیا یہ اس کی اردو بھی دیکھ لی کافی اچھی تھی اور انشاءاللہ ابھی جو ہے ہم دوسرے بندے کو چوائس کرتے ہیں وہ میرا رکشہ آ رہا ہے دیکھو ہم نے اتنا خرچہ کیا رکشے کو بلایا یہ شرم نہیں کرتا ان کو شرم نہیں آتی پتہ نہیں ہمارے موٹر سائیکل کو اس نے کنڈا پوڑا کیا کیتا ہے بہت ہی مزہ آیا آپ نے دیکھ لیا تو ابھی ہم کسی دوسرے کو چوائس کر لیتے ہیں تو کیسے آئے آپ آج میں آپ کو ایسی انجوائمنٹ کے بارے میں بتانے والا ہوں جس سے آپ خوشی نہیں بلکہ خوشی سے ناچنے لگیں گے تو آپ اسی طرح ہماری طرح عید پر انجوائمنٹ کرتے رہیں تاکہ خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں تو کیسے ہوا مجھے نہیں ضرورت بتانے کی کہ میں نے کیسے انجوائے کیا تقریباً اچھا انجوائے کیا آپ نے ان سب دوستوں کا جو ویو ہے وہ لے لیا ہے جو انہوں نے بتایا وہ سچ بتایا بالکل بہت ہی مزہ آیا اور یہ تو تھا دوسرا دن اور تیسرا دن بھی انجوائے کرنا ہے نا ہاں کرنا ہے باقی کرنا ہے تو کیا تیسرا دن انجوائے کرنا ہے دیکھا نا اچھا لگا ٹھیک ہے تو انجوائے کریں گے اس کا بھی اگر ویڈیو بنا سکے تو بنائیں گے اس میں ایڈ کر دیں گے یا نیکسٹ ویڈیو میں اس کو کب بتا دیں گے ٹھیک ہے ملتے ہیں بعد میں ٹیک کیئر تو کل جو ہے انجوائے کرنا ہے کہ نہیں یس باس تو مزہ نہیں آیا کسی نے کہا کسی نے نہیں کہا تو کرنا ہے کہ نہیں یس گڈ 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 بچے گڈ تو گائز ابھی ہم آ چکے ہیں واپس اپنے گھر بہت ہی لیٹ پہنچے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں باہر جو ہے بہت زیادہ اندھیرا بھی ہو چکا ہے تو آپ کے لیے ولاگ شوٹ کرتے لیکن موبائل کی بیٹری جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکی تھی اور میں موبائل تو بالکل گھر ہی رکھ گیا تھا کیونکہ بیٹری لو تھی تو ابھی ہم آ چکے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے موٹر سائیکل کو بھی پنکچر وغیرہ لگوایا تو میری قسمت بھی خراب تھی کیونکہ موٹر سائیکل جو تھا وہ میرا ہی پنکچر ہوا تو چلو کوئی بات نہیں پھر بھی جو ہے ہم نے آج بہت انجوائے کیا اور امید کرتے ہیں آپ کو یہ ہمارا ولاگ جو ہے وہ پسند آیا ہوگا یار اگر پسند آیا تو لائک کر دو اور انتہا میں ولاگ بنانا چاہیے یعنی مطلب یہ ہمارا فاسٹ ولاگ تھا اور مطلب زیادہ اچھا نہیں ہوگا ہمیں پتہ ہے لیکن پھر بھی اگر آپ کو پسند آیا تو آپ ہمیں کامنٹ کر کے بتاؤ اور چینل سبسکرائب کرو لائک کرو شیئر کرو کامنٹ کرو اور اسی طرح ہنستے رہو مسکراتے رہو اپنی دعاؤں میں یاد رکھو اور اپنا بہت سارا خیال رکھو تھینکس فار واچنگ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد